दोस्तों, हमारे देश को बीजेपी ने इतना बर्बाद किया है, माहौल इतना बिगाड़ा है। अभी के टाइम जब हिंदुओं का त्योहार आता है तब मुसलमान निशाने पर आ जाते हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को सताया जाता है। अभी स्क्रीन पर वीडियो चलाकर दिखाऊंगा, वो वीडियो देखकर आप खुद समझ जाएंगे। जिस तरह किसी त्योहार के अंदर या कोई पूजा, जब कहीं पर पूजा होती है तो उस पूजा में जब तक बकरे की बलि नहीं दी जाती है तब तक वो पूजा पूरी नहीं होती है, उसी तरह अभी क्या हो रहा है, मुसलमानों को जब तक टारगेट नहीं किया जाता है तब तक वो पूजा या वो त्योहार कामयाब नहीं होता है। जब तक मुसलमानों के पास नहीं आते हैं, जब तक मुसलमानों को सता नहीं लिया जाता है तब तक वो त्योहार कामयाब नहीं होता है। अभी स्क्रीन पर वीडियो चला करके दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए हर हिंदू इस तरह नहीं करते हैं और हर जगह इस तरह नहीं होता है, अक्सर वहीं होता है जहाँ पर बीजेपी राज है, और वहाँ पर फिर वहाँ के अंदर सभी हिंदू इस तरह नहीं करते हैं। हिंदुओं में से कुछ हिंदू निकलते हैं जिसे नकली हिंदू कहते हैं, भगवा धारी, भगवा कपड़ा पहनते हैं, भगवा सपोर्टर हैं वो लोग, और जाते हैं मुसलमानों के पास और किस तरह मुसलमानों को सताना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यूपी के अंदर एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, यूपी के अंदर नवरात्रि जो त्यौहार है वो त्यौहार चल रहा था, नवरात्रि के नाम पर, नवरात्रि का नाम लेकर मुसलमानों के दुकान पहुंचा, भगवाधारी लोग मुसलमानों के दुकान पहुंच जाते हैं और किस तरह टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और वो वीडियो दिखाने के बाद फिर और एक वीडियो दिखाऊंगा किस तरह मुस्लिम महिला को कैमरे के सामने अपहरण किया, कार के अंदर किस तरह बैठा कर कहाँ ले गया उसका कोई पता अभी तक नहीं चला है, और वो वीडियो किस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखिए, किस तरह मुसलमान जो एक दुकान चलाता है, अंडे की दुकान है, किस तरह मुसलमान को सताया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार, नवरात्रि का नाम लेकर के, इस वीडियो को आप देखिए। तो माल है तो हाँ जी, तो माल क्या, तो कुछ लोग बेच गए और बेच गयो है, कुछ नहीं बेचना है, अंडे रख दो तो भाई, तो माल हम आराम से जा रहे, माल अपने घर रखो ही रहे, अंडा ना बिकते कहीं भी, अंदर देख लेंगे है जी, अंदर अंदर माल ने भी बोली हाँ जी भैया, जो दुकान है घर में, तुम अंदर हम घर नहीं ढोली नहीं लग रही, हम बंद कर रहे हैं भैया, तुम घर में तो करो ना, बंद कर रहे हैं ना, बंद करो तुम अभी, करो बंद इसे अभी, बंद करो इधर ये तुम। दोस्तों, ये वीडियो आपने देख ली, अब आइए ये वीडियो देखिए किस तरह एक मुस्लिम महिला को कार के अंदर बिठाकर उठाकर पता नहीं कहां लेकर चले गए, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो, दुकान वाली वीडियो के बारे में जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि हर हिंदू इस तरह नहीं करते हैं, जहां पर बीजेपी वाले, बीजेपी सरकार है, वहां के कुछ हिंदुओं में से कुछ हिंदू निकलते हैं जो इस तरह घटिया काम करने की कोशिश करते हैं। अब आइए ये वीडियो देखिए किस तरह महिला को अपहरण किया, ये वीडियो देखिए। बस ये वीडियो इतना ही है, और ये वीडियो कहाँ की है ये अभी तक मुझे जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगी और पूरी वीडियो मिलेगी तो फिर मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन आप देख लिए किस तरह हमारे देश में माहौल बन रहा है, बीजेपी राज जहां जहां है वहां पर किस तरह मुसलमानों को, एक कौम को, दलितों को और गरीबों को किस तरह टारगेट किया जाता है। दोस्तों, हिंदुओं का जो त्योहार है वो त्योहार क्या आप लोग नहीं मनाते हैं? इस वीडियो को जो हिंदू भाई बहन देख रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग उन त्योहारों को नहीं मनाते हैं, नहीं मानते हैं? क्या आप लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं? नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग, घटिया लोग किस तरह जाकर मुसलमानों को सताना शुरू कर देते हैं त्योहार का नाम लेकर, नवरात्रि का नाम लेकर के किस तरह मुसलमानों को सताते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिए, और जो लोग नए आए हैं चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।